हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नियाज एस टू क्लासेस। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल नियाज एस टू क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें बहुत सारे जीके और जीएस के क्वेश्चन हूबहू सेम क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था सेम उसमें से ही आया। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं डेली प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। बिहार में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी भागलपुर, डी हाजीपुर। उत्तर है डी हाजीपुर। बिहार के किस जिले में सोन नदी का संगम होता है? आपका ऑप्शन ए पटना, बी भोजपुर, सी गया, डी सारण। उत्तर है ए पटना। बिहार में कबीर मठ किस स्थान पर स्थित है? आपका ऑप्शन ए पावापुरी, बी बक्सर, सी पटना, डी मधुबनी। उत्तर है सी पटना। बिहार में गया किस नदी के तट पर स्थित है? आपका ऑप्शन ए गंगा, बी सोन, सी फल्गु, डी कोसी। उत्तर है सी फल्गु। बिहार में कालिदास के किस नाटक की रचना हुई थी? शकुंतला, बी मेघदूत, सी विक्रमोर्सियम, डी मालविकाग्निमित्रम। उत्तर है ए शकुंतला। बिहार का कौन सा शहर विद्यानगरी के नाम से प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी नालंदा, सी गया, डी मधुबनी। उत्तर है बी नालंदा। बिहार में हड़प्पा संस्कृति का असल कौन सा है? आपका ऑप्शन ए चिरांद, बी वैशाली, सी पटना, डी सासाराम। उत्तर है ए चिरांद। बिहार के किस जिले को कृष्ण लीला से जोड़ा जाता है? आपका ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी बक्सर, डी मधुबनी। उत्तर है सी बक्सर। बिहार में कर्पूरी ठाकुर किस जाति से संबंधित थे? आपका ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी यादव, सी कुशवाहा, डी निषाद। उत्तर है डी निषाद। बिहार में किस स्थान पर विश्व शांति स्तूप स्थित है? आपका ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर, सी बोधगया, डी पावापुरी। उत्तर है बी राजगीर। बिहार के किस जिले में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? आपका ऑप्शन ए नालंदा, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी बोधगया। उत्तर है डी बोधगया। बिहार में कुंवर सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? आपका ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तर है ए 1857 का विद्रोह। बिहार में हरियाली महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए जुलाई, बी अगस्त, सी सितंबर, डी अक्टूबर। उत्तर है ए जुलाई। बिहार में गया किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? आपका ऑप्शन ए हिंदू, बी जैन, सी बौद्ध, डी सिख। उत्तर है सी बौद्ध। बिहार में किस नदी को सोराय नदी के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए गंगा, बी कोसी, सी सोन, डी गंडक। उत्तर है सी सोन। बिहार में जट जाटी नृत्य किस क्षेत्र का है? आपका ऑप्शन ए मगध, बी भोजपुर, सी मिथिला, डी अंग। उत्तर है सी मिथिला। बिहार में मौर्य वंश की राजधानी कौन सी थी? आपका ऑप्शन ए पटना, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी नालंदा। उत्तर है सी पाटलिपुत्र। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपका ऑप्शन ए एओ ह्यूम, बी वामन दत्तात्रेय, सी डब्ल्यू सी बनर्जी, डी बाल गंगाधर तिलक। उत्तर है सी डब्ल्यू सी बनर्जी। किस मुस्लिम नेता ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी?
आपका ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, बी मौलाना आज़ाद, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी बदरुद्दीन तैयब जी। उत्तर है ए सर सैयद अहमद खान। किसने तुरीन सम्मेलन 1856 के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था? आपका ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी लाला लाजपत राय। उत्तर है बी दादा भाई नौरोजी। प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 के दौरान बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? आपका ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कर्न हार्डसन, डी जनरल डायर। उत्तर है सी कर्नल हार्डसन। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन ए 1920, बी 1923, सी 1942, डी 1947। उत्तर है सी 1942। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया था? आपका ऑप्शन है 1920, बी 1930, सी 1942, डी 1947। उत्तर है बी 1930। किस भारतीय नेता ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी? आपका ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, डी लाला लाजपत राय। उत्तर है बी बाल गंगाधर तिलक। किस भारतीय राजा ने सिकंदर के आक्रमण का मुकाबला किया था? आपका ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी पोरस, डी बिंदुसार। उत्तर है सी पोरस। किसने इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना की थी? आपका ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी चंद्रशेखर आज़ाद। उत्तर है सी सुभाष चंद्र बोस। किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी? आपका ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड कार्नवालिस। उत्तर है डी लॉर्ड कार्नवालिस। भारत का कौन सा राज्य पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का मुख्य केंद्र था? आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी पश्चिम बंगाल। उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुई थी? आपका ऑप्शन ए लखनऊ, बी झांसी, सी कानपुर, डी ग्वालियर। उत्तर है डी ग्वालियर। भारत का कौन सा स्थान ब्लैक सोयल के नाम के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। उत्तर है ए महाराष्ट्र। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? आपका ऑप्शन है ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गोदावरी, डी कृष्णा। उत्तर है ए नर्मदा। किस भारतीय राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़। उत्तर है डी छत्तीसगढ़। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए संजय सागर झील, बी पोंग झील, सी गोविंद सागर झील, डी राणा प्रताप सागर झील। उत्तर है सी गोविंद सागर झील। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका ऑप्शन है कुंचिकल जलप्रपात, बी जोग जलप्रपात, सी शिमला जलप्रपात, डी नोकालीकाई जलप्रपात। उत्तर है ए कुंचिकल जलप्रपात। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? आपका ऑप्शन ए अरावली पर्वत, बी हिमालय, सी विंध्याचल, डी सतपुड़ा। उत्तर है बी हिमालय। कौन सी नदी भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों से होकर बहती है? आपका ऑप्शन ए गंगा, बी नर्मदा,
सी गोदावरी, डी यमुना, उत्तर है ए गंगा। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए गोडान, आपका ऑप्शन ए गोडावन, बी थार मरुस्थल, सी कच्छ कर्णन, डी रेगिस्तान। उत्तर है बी थार मरुस्थल। कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? आपका ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, बी अरावली पर्वत, सी सतपुड़ा पर्वत, डी विदेह पर्वत। उत्तर है ए नीलगिरी पर्वत। भारत में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर है डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? आपका ऑप्शन है ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी तुंगभद्रा। उत्तर है सी गोदावरी। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी गंगा। उत्तर है डी गंगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आपका ऑप्शन है चिरापुंजी, बी मावसीनडम, सी मेघालय, डी असम। उत्तर है बी मावसीनडम। भारत में कौन सी नदी सिंधु घाटी का हिस्सा है? आपका ऑप्शन ए सतलज, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी ताप्ती। उत्तर है ए सतलज। कौन सी नदी पेरियार नदी के नाम से जानी जाती है? आपका ऑप्शन है ए इकावड़ी, बी गोदावरी, सी यमुना, डी केरल की नदी। उत्तर है डी केरल की नदी। भारत में मुलायम मिट्टी अलुवियल सॉइल सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन ए दक्कन का पठार, बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी थार का मरुस्थल, डी विंध्याचल का क्षेत्र। उत्तर है बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उच्चतम न्यायालय। उत्तर है ए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? आपका ऑप्शन ए भाग तीन, बी भाग चार, सी भाग पाँच, डी भाग छः। उत्तर है ए भाग तीन। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका ऑप्शन है चार वर्ष, बी पाँच वर्ष, सी छः वर्ष, डी सात वर्ष। उत्तर है सी छः वर्ष। केंद्र सरकार का कौन सा अंग बजट प्रस्तुत करता है? आपका ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी योजना आयोग, सी प्रधानमंत्री कार्यालय, डी राष्ट्रपति। उत्तर है ए वित्त मंत्रालय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता है? आपका ऑप्शन ए प्रधान न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। उत्तर है ए प्रधान न्यायाधीश। डेली जी के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।